प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा आज षष्ठ वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा संस्कृत में सप्तम पाठ मम देशः, कल मैंने इसको पढ़ाया था, आज मैं शब्दार्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मम शब्द का अर्थ मेरा होता है। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग होता है। प्राचीन शब्द का अर्थ पुराना होता है। मुकुटमणि शब्द का अर्थ मुकुट की मणि। प्रक्षालयति शब्द का अर्थ धोता। प्रवहन्ति लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जिसका अर्थ बहती है। सुदीर्घा बहुत लंबी बहुत बड़े। प्रभुता बहुत अधिक। समृद्धि द्वितीय विभक्ति एक वचन में है जिसका अर्थ संपन्नता को। प्रकटयन्ति लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रकट करते हैं। वेशभूषा वेश भिन्ना भिन्ना अलग अलग। आवासा मकान। उत्सवा उत्सव। भ्रातृभावे भाईचारे के साथ। रचिता रचे गए। तुल्या जैसे या समान। वीरांगना वीर नारिया। राष्ट्रनायका देश के नेता। संस्कारका सुधारकगण। अग्रेसरा अग्रणी। अध्यात्म विद्यायाम अध्यात्म विद्या में। निविष्टम व्यवस्थित या पूर्ण। प्यारे छात्रों, अब मेरे द्वारा प्रश्नोत्तर का होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखिताराम प्रश्नाराम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, भारतवर्षस्य प्राचीनम नाम किम आसीत। भारतवर्ष का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था। उत्तरम, भारतवर्षस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्त आसीत। प्रश्न संख्या ख, भरत कस्य पुत्रः आसीत। भरत किसका बेटा था। उत्तरम, भरत दुष्यंतस्य पुत्रः आसीत। ग, भारतस्य राजधानी का। भारत की राजधानी कौन या क्या। उत्तरम, भारतस्य राजधानी देहली अस्ति। प्यारे छात्रों, किताब में दिल्ली दिया गया है। जो दिल्ली शब्द हिंदी है उसका संस्कृत देहली होता है। घ, भारतस्य आदर्श वाक्यम किम। भारत का आदर्श वाक्य क्या। उत्तरम, भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते। भारतस्य चरणौ कः प्रक्षालयति। भारत के चरण को कौन धोता है। उत्तरम, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः भारतस्य चरणौ प्रक्षालयति। यानी छात्रों, आज मेरे द्वारा षष्ठ वर्ग के छात्रों को संस्कृत में सप्तम पाठ से शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर कार्य कराया गया। फिर अगले क्लास में मेरे द्वारा आगे का कार्य कराया।